साथियों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल की अगर बात करें तो हमारे भारत की जो राजधानी थी वो 3 बार परिवर्तित हुई। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी, उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद जब यहाँ पे तुगलक वंश आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरि यानी दौलताबाद कर दी। 2 साल बाद फिर वापस दिल्ली आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे लोदी वंश आया तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा परिवर्तित कर ली। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर शाह को हम सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 के मध्य हुआ।